जयराम गौड़ की पत्नी श्रीमती वंदना निवासी गुजरपार थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को दिनांक 9 जुलाई 2020 को पुत्र पैदा हुआ और दिनांक 12 जुलाई 2020 को रात्रि में घर के में सभी लोग भोजन करके घर में सोए थे कि रात्रि में करीब 12:30 बजे जब वंदना की नींद खुली तो देखा कि उसका नवजात शिशु चारपाई पर नहीं था। वंदना और उसके घर वालों ने नवजात शिशु की काफी तलाश की लेकिन नहीं मिला। थाना स्थानीय पर श्री जयराम गौड़ द्वारा थाना मुबारकपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह मामले का अनावरण करते हुए नवजात शिशु की सत्वर बरामदी कर उसके माता पिता को सुपुर्द करते हुए घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया कि अभियुक्तगढ़ रोशन सिंह पुत्र रामजन्म सिंह निवासी गुजरपार थाना मुबारकपुर आजमगढ़ बबलू कुमार सिंह पुत्र रामरथ सिंह निवासी गुजरपार थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को ग्राम गुजरपार से समय 11:45 पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हमें कोई जानकारी जब हम हॉस्पिटल में गए हम औरत को भेज दिए, उन औरत को नॉर्मल डिलीवरी कराया, 2 घंटा हम भर थे। बाद में उन्होंने 2 टाका भी लगाया औरत को, तो बाद में जब घर पे आए तो उन्होंने जिसका बच्चा वो बोलता है बच्चा हमारा है, हम क्या देख रहे फोटो आप देख लो आपका बच्चा था कम क्लियर करो हमारा है। मैंने उनके घर गया पहले तो बोलता नहीं ऐसे नहीं आएंगे प्रशासन आएगा, तो ठीक प्रशासन जब हमने कोई पता ही नहीं था कि बच्चा हम तो जानते बच्चा हमारा है इसलिए हमने बोला था, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला कि नहीं बच्चा नहीं तो और लाके हम रखा था आपको और तो बच्चा नहीं हुआ। अच्छा तो हमको ये इन्होंने ये बताया था कि IVF वाला है। हाँ हम सब समय इसी बात से। अच्छा आपकी भी बच्चा होने वाला था कि नहीं? नहीं मुबारकपुर के रहने वाले हैं बबलू कुमार सिंह, इनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इन्होंने IVF भी ट्राई किया कि दूसरे के घर में स्पॉन्स डाल करके उस तरह से बच्चे का भी इन्होंने प्रयास किया लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो इसका जो भतीजा है उसने रोशन सिंह ने बगल 2-3 घर छोड़ करके एक जयराम गौड़ है उनका बच्चा पैदा हुआ था, इसी 9 तारीख को पैदा हुआ था और 12 तारीख रात में जा करके उसकी माँ के गोद से उठा करके ये लिटो वहाँ से चला गया और जा करके हॉस्पिटल में एक गलत तरीके से फर्जी एंट्री कराई कि बच्चा पैदा हुआ है इनको IVF के थ्रू। और जब वो लोग अपने बच्चे की तलाश करने लगे और काफ़ी पुलिस इसमें परेशान रही, वो लोग भी परेशान रहे, तो ये हुआ कि इस घर में भी बच्चा पैदा हुआ है। प्रथम दृष्टि ये जांच में आया कि वो गर्भ था ही नहीं, उसको प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो उसको बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो इंस्पेक्टर ने इस पर काफ़ी छानबीन की, छानबीन करने के बाद ये लोग टूटते गए, फिर हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में एक फेक एंट्री की गई थी बच्चे के जन्म होने की, फिर वहाँ के डॉक्टर से और सबसे बातचीत की गई तो उसने इस चीज़ को कन्फेस किया कि इन लोगों के जबरदस्ती दबाव में आकर के मैंने एंट्री कर दी, यहाँ कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है। फिर बाद में इन लोगों ने भी कन्फेस किया कि चूँकि हमारा बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो हम लोगों ने सोचा कि 3 दिन की बच्ची है पता भी नहीं चल पाएगा और ये हम बता देंगे कि हमारा बच्चा है। इस तरह से इन दोनों लोगों को बबलू और रोशन सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस हॉस्पिटल में जिस वहाँ के कर्मचारी ने ये फर्जी एंट्री की उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम जा रही है।